गाइस हमारे खेत में जो धान के खेत है यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर घास हो गई है ना, इसलिए हम यहाँ पर निकाल रही हैं। तो पूरा पूरा मैंने दवाई भी डाला था तो उतना ज्यादा इफेक्ट किया नहीं। तो यहाँ पर और दिखा रहे हैं कितना घास हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, तो मैंने आपको गाइस दिखाया ना कि वहाँ पर भुट्टा भुजा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एकदम हीटर पे जो, अरे बस मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और फाइनली मैंने कर दिया वीडियो को अपलोड। और 2 GB मेरा भी लेकर चला गया भाई, आज 2 डेली का मिल रहा था ना वो भी चला गया क्योंकि मैंने डेली थोड़ा लेट से अपलोड किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये सब जा रहे हैं, ये दोनों, ये इनके बड़े भैया, ना तो इनके बड़े भैया जा रहे हैं ना तो इनके बड़े भैया, ये दोनों जा रहे हैं सारनाथ जो बनारस के आगे नहीं है। तो एक बार अगर स्कूल वाले जो देख रहे होंगे तो एक बार हम सब टूर किए थे सारनाथ के लिए, तो ये दोनों जा रहे हैं। और हमारे गांव के मतलब आसपास के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जैसे कि रिंकू भैया जा रहे हैं, विकास भैया जा रहे हैं, जगदीश भैया जा रहे हैं, आप सब शायद जानते होंगे पिछले ब्लॉग में वो सब गए थे यार, अरे कपड़े खरीदने, वो सब सारे लोग जा रहे हैं। तो ये सब भी जा रहे हैं, अभी तुरंत गाड़ी आ गई, ये सब निकल रहे हैं और मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। तो चलते हैं, उसके बाद आते हैं सिखाते हैं। ओके, तो अभी जो है गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ स्कूल से और हमारे एरिया के सभी लौंडे जो थे वो चले गए भैया सारनाथ, केवल मैं बचा हूँ। अपने इधर अड़ोस पड़ोस में सारे मतलब कि जितने भैया लोग भी थे वो भी चले गए हैं, तो मैं केवल अकेले यहाँ पर बचा हूँ। तो अभी चल रहा हूँ भाई पढ़ने के लिए। तो अभी जो है गाइस मैं फाइनली जा रहा हूँ स्कूल, लेकिन आज ये जाने वाले थे सारनाथ, ठीक है, इनको रोस्ट कर रहे हैं, ये जाने वाले थे सारनाथ। जो सुबह 2 चिहाड़ी दिखाए थे, मतलब जो लोग 2 लोग थे उन्हें में इनका भी पार्टी था जाने के लिए, लेकिन ऐन वक्त पे इनके डैडी ने क्या किया, मना कर, इनको इतना डांट दिए, इतना ज़्यादा डांट दिए कि एकदम बहुत हो गए। अभी 4 घंटे बाद रूम से निकल रहे हैं बहुत रो के, अब जा रहे हैं दुख में जा रहे हैं पार्टी मनाने, अकेले मंचूरियन खाएंगे, फिर उसके बाद ठंडा पियेंगे और अंडा उंडा सब खा के आएंगे, मतलब ये सारी पार्टी। और यहाँ पर देख सकती हैं दीदी फिर से यहाँ पर प्रिंटर बन गई है हमारे, यहाँ पर पूरा पार्टी, यहाँ पर सभा जुड़ गई है, मम्मी सब यहाँ पर खूब बेइज्जती करता है बार सब को कुछ लाए। तो अभी जो है गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत में, तो ये है पतली वाले रोड, यहाँ पर भैया साइकिल चलाना पड़ रहा है, बाप रे, अरे बस ये हो गया मेरा क्लियर। ये अभी चल रहा है खेत में, मम्मी अभी खेत में है, तो अभी मैं स्कूल से आया फाइनली, तो ये आ गया मेरा खेत, इसमें मैंने धान लगाया था ना हम सब ने, हमारे परिवार ने पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, वहाँ पर है मम्मी। तो अभी जो है फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ स्कूल से और जो है यहाँ पर मम्मी काम कर रही है, मैंने आपको दिखाया ही। तो अभी मैं चला गया था यहाँ पर मतलब कि बाजार में, तो ये लाया मैं, ये है टेप, तो इसमें थोड़ा सा करना है, यानी अपने शेड्यूल जो है पैटर्न जो है उसको अपने डेस्क के आगे चिपकाना है ना जहाँ पर पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने टेप लाया है। गाइस हमारे खेत में जो धान के खेत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर घास हो गई है ना, इसलिए हम यहाँ पर निकाल रही हैं। तो पूरा पूरा मैंने दवाई भी डाला था तो उतना ज़्यादा इफेक्ट किया नहीं। तो यहाँ पर और दिखा रहे हैं कितना घास हो गया यार, इधर साइड यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा जो है घास हो गया है, ये पूरा पूरा छोटा छोटा घास हो गया, मैंने दवाई भी डाला था यार लेकिन ये घास जो है गया नहीं पूरा, मतलब घास की दवाई भी डाली थी, तो यहाँ पर पूरा घास हो गया है, लेकिन अब कितना निकालेंगे देखो कितना निकालते हैं भाई। यहाँ पर मम्मी अभी निकाल ही रही हैं, सुबह से ही आई थी, अभी यहाँ पर काम ही कर रही हैं पूरे इधर साइड, मतलब कि लगाने के बाद भी जो है यहाँ पर छुट्टी नहीं रहती यार, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है एक किसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर वर्क हो जाता है भाई। तो क्योंकि धूप ज़्यादा हो गया है, अब चलते हैं भैया घर मम्मी को लेकर के। और यहाँ पर जो है गाइस मैंने पूरा घास यहाँ पर क्या निकाल दिया है खेत में से, तो अब चल रहे हैं भैया घर, मम्मी भी आ रही है उधर साइड से, चल रहे हैं घर क्योंकि बहुत ज्यादा ही धूप हो गया यार अभी। तो गाइस इधर देख सकते हैं मेरी मम्मी मेरे साइकिल पर बैठ गई इधर साइड, तो भैया अब चलते हैं लेकर के घर।
यहाँ पर दीदी इसको पेंट कर रही है। भैया मैं इतने नीचे था आया हूँ और सीढ़ी देख रहे हैं इतना कोरी पे केबल लगा है यहाँ पर इतने पे, बस मैं इतना रिस्क लेकर यहाँ पर इतना दूर आया हूँ, यहाँ पर ये पेंट कर रही है, कहीं पर भी पेंट कर रही है हर जगह। यहाँ पर गाय देख सकते हैं ये दीदी जो है हमारी क्या क्या चीज पूरा हर चीज पेंट डाल रही है आज पूरा। यहाँ पर जो है सिलाई मशीन भी पूरा पेंट दी और यहाँ पर तख्ता जो है वो भी पूरा पेंट दी भाई, मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ रही पूरा। ये इधर साइड ये वाला जंगला, उधर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला भी, सारे चीज मतलब जितने भी लोहे के सामान है पूरा हर चीज पेंट उठ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अभी जो है गाइस मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ और नीचे घर के नीचे जानते हैं भुट्टा भुजा जा रहा है। ये भुट्टा दीदी अभी बुन रही है हीटर पे, हीटर पे भैया नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर भुन उठता है काफ़ी ज़्यादा, ना तो ज़्यादा जलता है ना तो ज़्यादा उसमें धुआं लगता है कुछ नहीं, मतलब बढ़िया से एकदम बढ़िया भुन जाता है। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ फाइनली, अब 3 बजने वाले हैं तो अब चलते हैं भैया स्कूल, आज थोड़ा पहले चलेंगे क्योंकि मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ। अभी जो है इधर साइड बहुत धूप है यार, इधर तो प्रचंड लेवल पे धूप है और कल रात को मैंने दिखाया ना बारिश हो गई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर खाट लेकर आ गया था और मैं जो यहाँ पर फॉर्मल शूज़ थे भैया वो भी भीग गए थे तो मैंने इनको यहाँ पर डाल दिया है। तो अब चलते हैं भैया स्कूल और मैं दिखाता हूँ कैसे भुट्टा यहाँ पर भुजा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, तो मैंने आपको गाइस दिखाया ना कि वहाँ पर भुट्टा भुजा जा रहा है, यहाँ पर देखिए एकदम हीटर पे जो, अरे बस हीटर पे जो है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर बुनाई हो रही है इसकी, ये बुना जा रहा है। और यहाँ पर देखिए वो जो मैंने लाया था सॉकेट तो वो चेंज हो गया, यहाँ पर NCB लग गई है, अब ये डायरेक्ट NCB से ऑन और ऑफ होता है तो यहाँ पर बढ़िया नेक्स्ट लेवल की ये बुना जा रहा है बस। So